जय हिंद दोस्तों, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और जब मैं उसमें पढ़ रहा था तो देखा कि ये लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, ये लोग देशद्रोह का जो कानून है उसको हटाएंगे, कश्मीर में सैनिकों की संख्या है वो कम करेंगे, आतंकवादियों से बिना शर्त ये लोग बातचीत करेंगे और आर्टिकल 370 उसको ये लोग नहीं हटाएंगे। दोस्तों, अगर जिस दिन कश्मीर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया और हमारे सैनिकों पे और सैनिक अधिकारियों पे केस दर्ज करने लग गए तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर में आतंकवादी हथियार लेके सड़कों पे घूमेंगे, कश्मीर में नंगा नाच मचाएंगे, माँ बहनों का रेप करेंगे लोग। कौन लड़ेगा कश्मीर में जाके? क्या कांग्रेस के लोग? पूछिए आप जरा इनसे, क्या चाहते हैं लोग? एक बार तो मुझे ये लगा कि ये मैनिफेस्टो आसिया अंद्राबी, यासिन मलिक गिलानी या महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, लेकिन जब देखा कि कांग्रेस की पूरी टीम इस मैनिफेस्टो को जारी कर रही है तो बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ इस चीज का। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, किसी सड़क पे, गली में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लोग देश के झंडों का अपमान करेंगे, उनको जलाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सैनिकों के ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो गया कांग्रेस को? एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ाई जीतने की बात कर रहे हैं और ये लोग आतंकवादियों की शरण में जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये मैनिफेस्टो लिखा किसने? क्या गिलानी, आसिया अंद्राबी या आप लोगों ने? आपके लिए आपके वोटर हैं कौन, आतंकवादी या इस देश के लोग? जरा बताइए।